नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा। मैं हूँ आस्था। देसा में देस हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हरियाणा के लिए ये कहावत बहुत मशहूर है, क्योंकि हरियाणा उत्तर भारत के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में से एक है और यहाँ के उन्नत प्रगतिशील किसान अब कृषि विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो संभावनाएं हैं, वो सक्सेस की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और इससे जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इससे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, जो उपभोक्ता हैं उनको अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूल मिलेंगे। इससे कृषि विकास तो होगा ही, इसके साथ साथ जो किसानों का जीवन स्तर है वो भी इम्प्रूव होगा और उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बढ़ेगी। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का नारा दिया है, मोर क्रॉप फ्यू ड्रॉप, तो इससे जो हॉर्टिकल्चर का जो सेक्टर है वो इस पर खरा उतरता है। तो आज हम बात करेंगे कि बागवानी के क्षेत्र में किस किस तरह की संभावनाएँ हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फार्मर्स के लिए और उनके लिए ये किस तरह का इनकम सोर्स बन सकता है। तो हमारे साथ आज दो गेस्ट जुड़े हैं जो कि दोनों ही चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा से हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीत राम शर्मा जी हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं और डॉक्टर देवेंद्र दहिया जी जो कि प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर हैं और एक्स डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर HAU रह चुके हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जीत राम जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी। ये प्रश्न है कि जैसे दक्षिणी जो हरियाणा है उसमें जिस तरह की जो भूमि है वो बहुत रेतीली है, अगर हम बात करें हिसार की या भिवानी की, तो और भी ऐसे काफ़ी सारे एरियाज, तो इसमें जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाती है। जैसे कि हमारे पास एक इज़राइल का एग्जाम्पल है, वहाँ पर जो भूमि है वो काफ़ी रेतीली है और वहाँ पर हॉर्टिकल्चरल जो फार्मिंग है वो सक्सेसफुल रहती है। तो हरियाणा के दक्षिणी भाग के लिए किस तरह की जो फार्मिंग है वो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हॉर्टिकल्चर के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है? ये जहाँ तक उत्तर दक्षिण जो पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा है उसकी भूमि काफ़ी रेतीली है। हालांकि पहले पानी का साधन कम थे, लेकिन अब पानी के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, नहरों का अच्छा फैलाव है इस एरिया में, तो पानी की उपलब्धता बढ़ी है। उसके बाद किसानों को का रुझान जो है ना बागवानी की तरफ काफ़ी बढ़ा है। और अगर हम हिसार, सरसा, फतेहबाद और भिवानी, इवन रेवाड़ी तक की अगर इस बेल्ट को लें तो इसमें किन्नों की खेती बहुत अधिक क्षेत्र में होती है जी। दूसरा, इसके अलावा अमरूद की खेती को भी आजकल किसान बहुत पसंद करते हैं, उससे भी किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। जहाँ तक हम इसराइल की बात करें, इसराइल की कंडीशंस में और हमारे में कुछ समानताएं हैं पर कुछ विभिन्नताएं भी हैं। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी का स्तर जो है ना काफ़ी अधिक है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उस लेवल तक फार्मर के पास उपलब्ध नहीं है। उसके काफ़ी कारण हैं, हमारा सामाजिक सिस्टम है, जो हमारे किसान हैं वो छोटे और मीडियम लेवल के किसान हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, कास्त है की होल्डिंग है जो है वो काफ़ी छोटी है, तो वो जो हाई टेक्नोलॉजी इज़राइल की है उसको वो अफोर्ड करने की पोजीशन में अभी नहीं है। सिर्फ जो कुछ प्रोग्रेसिव किसान हैं, उन्नत किसान हैं, जिनके पास ज़मीनें थोड़ी अधिक मात्रा में हैं, संसाधन जिनके पास हैं, वही किसान जो है ना उस टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो पार्ट है वो जो कुछ प्रगतिशील किसान उसकी तरफ अग्रसर हैं और वो अच्छा मुनाफा कमा भी रहे हैं, लेकिन जो एक मध्यम किसान है वो कुछ टेक्नोलॉजी अपना भी रहा है और उसको कृषि विभाग, बागवानी विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मिल के उसको प्रेरित भी कर रहे हैं कि खासकर जैसे ड्रिप इरिगेशन का जो पार्ट है, क्योंकि पानी एक बड़ा सीमित संसाधन है और ख़ासकर इस पार्ट में जहाँ रेतीली ज़मीनें हैं वहाँ पे पानी की जो रिक्वायरमेंट है ज़मीन की वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसको अगर एक बागवानी एक ऐसा साधन है जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन को बड़े टपका सिंचाई जिसको हम बोलते हैं उसको बड़े आसानी से अपनाया जा सकता है, बहुत कम खर्चे में उसको अपनाया जा सकता है।
अगर इसी टपका सिंचाई को हम कपास में या धान में या दूसरी किसी भी फसल में लगाते हैं तो उसमें जो किसान का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी सब्सिडी भी देती है, पर उसके बावजूद किसान को वो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन बागवानी में क्योंकि पेड़ काफ़ी दूरी पर लगाए जाते हैं तो उसमें जो है ना जो टपका सिंचाई का जो खर्चा है वो काफ़ी कम आता है, बड़े आसानी से अपनाया जा सकता है और बहुत अच्छा कामयाब भी है। सरकार इसके ऊपर अच्छा अनुदान देती है और उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित भी करती है। तो कुछ टेक्नोलॉजी किसान अपना रहे हैं और उसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है और ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है। किसानों को पानी के कंजर्वेशन की तरफ, जो रिसोर्स कंजर्वेशन का एक मेजर पार्ट है, उसकी तरफ वे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसका ये एक अच्छा पार्ट है जो ड्रिप इरिगेशन, जहाँ भी अगर किसान अपना सकते हैं तो वो ज़रूर अपनाना चाहिए। वो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, कृषि विभाग भी और जो बागवानी विभाग हरियाणा सरकार का और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर किसानों को इसका फ़ायदा पहुँचाने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। तो मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहूँगी कि जो अर्बन फार्मिंग के बारे में बात करें तो जो लोग हैं अभी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि घरों में ही कुछ ना कुछ उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं या वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो इस चीज़ को किस तरह ऑप्टिमाइज़ या इसको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मान के हम चल सकते हैं? हॉर्टिकल्चर में बागवानी के साथ साथ फूलों की खेती, लैंडस्केपिंग, सब्जी उत्पादन, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। और जहाँ तक हम घर की बात करते हैं तो एक जो किचन गार्डन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको न्यूट्रिशियस गार्डन भी हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें हमें सारी चीज़ें ताज़ा मिलती हैं और उसमें हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इसमें रासायनिक खाद डालें ना डालें, दवाइयाँ जो केमिकल हैं उनको यूज़ करें ना करें, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी हम ले सकते हैं। और आपने बहुत देखा होगा कि रूफ टॉप गार्डनिंग भी बहुत हो रही है, उसके लिए जो हमारे बहुत सारी ट्रेज हैं उनमें हम खाद पानी मिला के ख़ास तौर पे पत्तेदार सब्जियां हैं या जो फूल हैं हमारे उनको लगा सकते हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े गन्नी बैग हैं उनमें हम फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, जो डिब्बे हैं या कोई कंटेनर हैं, उनको भी हम एज ए पॉट यूज़ कर सकते हैं या उगाने के लिए ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंस है। फ्लोरिकल्चर सिर्फ फूलों की खेती तक ही सीमित नहीं है, जहाँ फूलों की खेती करके हम फायदा कर ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत आपने देखा होगा कि आज नर्सरी है, नर्सरी एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। शहर में आप देखा होगा आपने फ्लोरिस्ट शॉप हैं जहाँ पे गुलदस्ते और मालाएँ, खुले फूल मिलते हैं, वो बहुत एक बिजनेस है जिसमें पैसा है, बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपने देख एक चीज़ और भी देखी होगी कि बहुत सारे किसान हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ख़ासतौर पे जो देसी गुलाब है उसका गुलकंद बना लिया या गंगाजल बना लिया, तो वो उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो उसकी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें किसान और जो युवा हैं उनको अपना के इससे इनकम जनरेट भी कर सकते हैं, अपना जीविका का माध्यम भी हो सकता है ये। और जो किचन गार्डन है वो तो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए आज के दिन में, जब आप देखते हैं ना कि बीमारियों का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो ख़ास तौर पे जो लीफी वेजिटेबल है, आपका पालक है, पुदीना है, धनिया है या बहुत सारी सब्जियां हैं, इनको हम आराम से उगा सकते हैं। इसी तरह जो फूल हैं वो भी एक स्ट्रेस बस्टर हैं। एक तो गार्डनिंग हॉबी है वही स्ट्रेस बस्टर है, आपको बहुत उसमें सकारात्मक वो रहता है आपके लिए और आपका एक्सरसाइज का भी पार्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फूल है ख़ास तौर पे वो जो अलग अलग रंग के हैं या सुगंधित हैं तो वो हमें सुकून। बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि जो जो हम घर पर सारी चीज़ें उगाते हैं तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और लोगों को उगाने चाहिए, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। तो जीत राम जी, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे सेब हैं, जो जैसे सेब की बात करें या कीनू की बात करें, ये उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा
इनकी बिक्री ज़्यादा होती है या उगते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि रिसोर्स इंटेंसिव भी हैं, इसमें काफ़ी सारा के पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे होते हैं, इसके लिए मैन्योर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो ये किस तरह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसको बैलेंस किस तरह किया जाता है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को देखते हुए वो भी ज़्यादा यूज़ ना हो लेकिन जो उनकी क्वालिटी है वो भी अफेक्ट ना हो। जहाँ तक रिसोर्स इंटेंसिवनेस की बात है, उसमें बाग लगाने के समय पे एक समय पे खर्चा किसान का ज़रूर होता है शुरुआत में, क्योंकि उसको ड्रिप सिस्टम भी इंस्टॉल करना है, पौधे भी खरीदने हैं, गड्ढे भी तैयार करने हैं, पौधे लगाने भी हैं, तो वो एक समय तो इंटेंसिव रहता है, थोड़ा खर्चा लगता है। लेकिन अगर उसको एक रेकरिंग कॉस्ट पे हर साल जो खर्चा लगता है किसान का, अगर उस तरीके से देखें तो बाकी जो फसल हम लेते हैं कपास गेहूं या धान गेहूं जो लगाते हैं उसके मुकाबले बागवानी में बहुत अधिक खर्चा नहीं है जी। जो पेस्टिसाइड का या खाद का वो जो खर्चा अगर देखें हम, वो कोई बहुत अधिक खर्चा बाकी फसलों के मुकाबले बागवानी में नहीं है। और जहाँ तक पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल की बात है, ये बात सच है कि आजकल किसान भाई जो है वो थोड़ा सा कोई भी बीमारी कोई भी कीड़ा देखते हैं तो तुरंत जो है ना केमिकल स्प्रे की तरफ चले जाते हैं जी। उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम बार बार इस चीज़ के लिए किसानों को आगाह भी करते हैं, उनको एडवाइजरी भी इशू करते हैं कि उन्होंने कुछ छोटे चीज़ों की सावधानी रख के वो बहुत से बीमारियों से बहुत से कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जैसे कि अमरूद में फल मक्खी का जो है ना काफ़ी प्रकोप होता है, खासकर बरसात वाली जो फसल है उसमें कीड़ा जो है ना बहुत अधिक आता है, तो उसको हम फेरोमोन ट्रैपर्स आते हैं, फेरोमोन के ट्रैपर्स आते हैं, उनको अगर किसान लगाए तो उससे जो है ना उस कीड़े का कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ येलो ट्रैपर्स भी आते हैं, येलो एक स्ट्रिप्स आती हैं कलर्ड जो है ना, उसके ऊपर भी वो कीड़े चिपक जाते हैं, उनके जो अडल्ट हैं उससे उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। उसके बाद जो है ना कुछ बायो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नीम बेस्ड कुछ पेस्टिसाइड है, नीम ऑयल वगैरह है, इस तरह के पेस्टिसाइड यूज़ किए जा सकते हैं और वो उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है और रेजिडुअल इफेक्ट भी इनका नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट खाने में या फ्रूट के ऊपर उसका नहीं आता है, तो उसका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए। हम उसके लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं बार बार। जो केमिकल का स्प्रे है वो आखिरी अल्टरनेटिव होना चाहिए किसान के पास जी। कि जब वो चीज़ किसी से कंट्रोल नहीं हो रही है, सारी सावधानी भी उसने ली है, बायोपेस्टिसाइड से भी अगर वो चीज़ उसके रोकथाम नहीं हो रही है, तो ही किसानों को केमिकल स्प्रे की तरफ जाना चाहिए। इसी से हम जो है ना जो हमारा इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन है या जो फलों में जो रेजिडुअल पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट आ रहा है जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है वो ना यूज़ करके जितने भी आपने नाम बताए उनको यूज़ करें, वो ऑर्गेनिकली यूज़ करें तो बहुत अच्छा बहुत है अच्छी। बिल्कुल, ये फार्मर्स को बिल्कुल ये जानना चाहिए। ये तो हमने बात की फार्मर्स की, अगर हम यूथ की बात करें देवेंद्र जी, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम फ्लोरिकल्चर की भी बात करते हैं या घर पर हमने बात की कि लोग काफ़ी सारे क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो यूथ के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं चाहूँगी आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जो हमारे युवा साथी हैं या किसान भाई हैं वो जब फ्लोरिकल्चर को अपनाते हैं तो दो तीन बात उनको शुरू में ध्यान रखनी चाहिए। एक तो उनको सर्वे जरूर करना चाहिए, उनके आसपास जो किसान भाई ये खेती कर रहे हैं उनसे डिस्कशन करके उनको जानकारी हासिल करनी चाहिए। दूसरा, जो मार्केट में फूल बिक रहा है, फ्लावर शॉप हैं, उन पर भी उनको किस समय उत्पादन ज़्यादा होता है, किस समय रेट अच्छे होते हैं, कम रेट कब होते हैं, त्यौहार के सीज़न से या मैरिज के जो सीज़न है डेट्स हैं उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें प्लान करी जाती हैं आजकल जो फार्मर हैं। दूसरा ये है कि जब आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है जी। और हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में साइना नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और इसी तरह हरियाणा सरकार में बागवानी विभाग का करनाल में हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स रेगुलरली अलग अलग टॉपिक पे होती रहती हैं। जिस भी युवा भाई किसान भाई को जिस टॉपिक पे ट्रेनिंग करनी हो वहाँ से जानकारी हासिल करके वो अपना नाम रजिस्टर करा के और वो ट्रेनिंग भी
करें, साथ के साथ जो भी मार्केट नज़दीक मार्केट है खासतौर पे उसको ज़रूर देखें। दिल्ली भी हमारी ज़्यादा दूर नहीं है राजधानी, और इसका हमें फ़ायदा भी है कि हरियाणा ने तीन तरफ से दिल्ली को घेर रखा है। दूसरा, जो अब बहुत बड़ा एरिया डेवलप हो रहा है चंडीगढ़ के साथ, ट्राई सिटी, पंजाब का मोहाली का एरिया, जीरकपुर का एरिया, पंचकूला है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है। तो अगर इस तरह की मार्केट भी अगर देखी जाए तो उससे बहुत सारी जानकारी हासिल होती है। और यूथ को तो आप देखें, मैंने जैसे पहले किया था कि नर्सरी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है। उसमें जो आजकल गमले हैं, आपको उसमें इतनी वैरायटी मिलती है कि आप गमलों में फूल या पत्ती, जिसकी सुंदर पत्तियां होती हैं, फॉलिएज प्लांट बोलते हैं हम उनको, उनको लगा के आप देखते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा सेल है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि उनके पास चार माली हैं और उन्होंने 100 मकान में उनका कॉन्टैक्ट है और उनको अल्टरनेट या वीक में 2 बार वो भेज के वो सारा ये अपना बिजनेस मॉड्यूल उन्होंने शुरू कर रखा है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि फूलों की खेती करके तो हम फायदा उगा ही सकते हैं, खासतौर पे जैसे सर्दियों में ग्लैडियोलस एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। बिल्कुल। उसके साथ साथ गेंदा है, गेंदा एक बड़ा होता है, अफ्रीकन गेंदा है, छोटा है, जो जाफरी गेंदा है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि गेंदा जो माला बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज इस्तेमाल होता है। जी। और भी बहुत सारी क्रॉप्स है हमारी, गुलदाउदी है, रजनीगंधा है, गुलाब है, देसी गुलाब है, उसकी देखो आप कितनी ज़्यादा, जितने भी हमारी, हम कहते हैं ना कि हमारा तो जन्म से लेके और आखिरी टाइम तक फूलों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। पैदा होंगे जब भी फूलों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और जितने हमारे ओकेजन होते हैं, फंक्शन होते हैं, ब्याह शादी हैं या और भी हमारे धार्मिक आयोजन हैं, और जो आखिरी समय होते हैं वहाँ तक फूल की जरूरत है। तो फूलों का ये है कि युवा को कैसे उसको अपना स्ट्रेंथ देखना कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब लॉन बनाना है, उसके लिए जो घास हम खरीद के लाते हैं, तो बहुत सारे लोग कारपेट बना के बेचते हैं घास का जी, उसमें बहुत फायदा कमा रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट बनाने के लिए देसी गुलाब है, सबसे बढ़िया है यहाँ पे जो हमारे होता है, उसका गुलकंद बनाया जाता है, उसका गुलाब जल बना के, और बहुत फायदा कमा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो फूलों की खेती है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, थोड़ी जगह में भी हम फूलों की खेती बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और बहुत लाभ कमा सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, खासतौर पर जहाँ पे ज़मीन बहुत कम है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। तो यूथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी है फूल उगाने की बहुत ज़्यादा है। और तो आपने एक जो हमारे हरियाणा है उसकी जो एक पोजीशनिंग के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही कि जीत राम जी, इसी से ये एक प्रश्न दिमाग में आता है कि जो पोजीशनिंग है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। एक तरफ तो दिल्ली NCR है और दूसरी तरफ मोहाली ट्राई सिटी है, और इनमें जो जिस तरह के लोग हैं वो अर्बन पॉपुलेशन है, उनकी डाइटरी हैबिट्स भी चेंज हो रही है, और वो एग्जॉटिक फ्रूट्स चाहिए हैं उन्हें, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स चाहिए हैं, या फूलों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हो रही है। तो एक चीज़ आती है, एक बीच में जो लिंक बनता है उसमें कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, जो फार्मर्स से लेकर जो उपभोक्ता तक जाती हैं चीज़ें उसमें एक कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट बनता है। और क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, इनका जो यूज़ होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, वो जल्दी होनी चाहिए। तो ये किस तरह सुनिश्चित किया जाए कि फार्मर्स से लेकर जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक ये चीज़ें बहुत जल्दी पहुँचें। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने टच किया है। देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल सभी पेरिशेबल हैं, उसको 2-4-10 दिन से फालतू हम स्टोर नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे। तो उसका जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वो मार्केट इजीली अवेलेबल है, बिकॉज जो स्ट्रेटजी का आपने बताया कि ट्राई सिटी का भी हमारा टच करता है, इधर से दिल्ली NCR का भी पार्ट बिल्कुल हमारे साथ में है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे यूथ या किसान भाई उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता का भी फायदा होगा, हमारी डाइटरी हैबिट्स भी इम्प्रूव होंगी। उसका सिस्टम है उसको वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रूट्स में, प्रोसेसिंग का पार्ट काफ़ी लैकिंग है। अगर किसान भाई अपने फ्रूट को, फ्रेश फ्रूट को बेचता है, तो खासकर जिस समय मार्केट में एक साथ फ्रूट आता है, जैसे मान लिया आप अमरूद का एग्जांपल लें, बरसात वाली जो फसल आती है, दो फसलें आती हैं अमरूद की, तो बरसात वाली फसल आती है वो लगभग 1 महीने में ख़त्म हो जाती है,
और एक महीने में मार्केट में पूरा ग्लट होता है, बहुत ज़्यादा अमरूद एक साथ आ जाता है, तो किसान को रेट बहुत कम मिल पाता है जी। अगर उसको प्रोसेसिंग करे, वो वैल्यू एडिशन करे, उसका प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू आप उसका उसकी कैंडी बना सकते हैं, उसका स्क्वेस बना सकते हैं, उसका आरटीएस बना सकते हैं। आप जैसे आंवला की खेती, आंवला भी हमारे यहाँ काफ़ी होता है, आंवला से आप मुरब्बा बना सकते हैं, उसका उसकी कैंडी बना सकते हैं, बेर की कैंडी बहुत अच्छी बनती है, बेर की कैंडी बना सकते हैं। तो अगर ये बिल्कुल छोटे पार्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हर जिले में स्थित हैं वो भी इन चीज़ों की किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा एक्सटेंशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, हर जिले में हमारी ये सुविधाएँ किसानों के लिए उपलब्ध हैं, उसको हर चीज़ के लिए हिसार आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग लेके और एक छोटी सी यूनिट लगाने की ज़रूरत है, अगर छोटी सी यूनिट लगाएगा प्रोसेसिंग की, उससे वैल्यू एडिशन करके जो है ना, जैसे ही एक उदाहरण बेर का लेते हैं, बेर जो है सीजन में 25 से 30 रुपए किलो बेर बाजार में किसान का बिकता है जी। और उसी को अगर हम सिर्फ वैल्यू एडिशन करके एक थोड़ी सा प्रोसेस करके उसकी कैंडी बना दें, उसमें सिर्फ चीनी का एक और डलता है, उसमें चीनी मिला के और उसको हम ड्राई कर लेते हैं, उसको अगर उसकी कैंडी बना के मार्केट में बेचते हैं तो वो 200 रुपये किलो बिकती है। तो जो 30 रुपये किलो की चीज़ है, अगर किसान को उसका 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो रेट मिलता है थोड़ी सी मेहनत करके जी, तो उसका बहुत बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उससे हमारा जो डाइटरी सिस्टम है जी, जो वो जो अगर कैंडी बनाएंगे वो कैंडी 6 महीने तक खराब नहीं होती है, तो मिठाई की जगह अगर उसको गिफ्ट करेंगे जी, तो वो एक बहुत अच्छा लगेगा, जिसको गिफ्ट करेंगे उसको भी अच्छा लगेगा और वो हेल्दी इनपुट भी है। बिल्कुल। तो इस तरह की अगर हम स्ट्रेटजिक अप्रोच किसान अपनाएं तो उसके ऊपर जो है ना काफ़ी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारी जो उसकी जो स्टोरेज वाली और उसकी जो पेरिसेबल आइटम की जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, और मुनाफा भी किसान का बढ़ सकता है बहुत अच्छा, और हमारे समाज को भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि फार्मर्स के लिए तो ये बेनिफिट रहेगा ही, प्रॉफिटेबल रहेगा ही, और लोगों के लिए ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वो कोलैबोरेटिव रिसर्च की जो बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, तो ये किस किस संस्थानों से जुड़ा है और किस किस तरह के जो रिसर्च है वो दूसरे संस्थानों के साथ जुड़ी हैं? जो हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ एमओयूज़ करता है, वो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ तक रिसर्च का आस्पेक्ट है उसमें लगभग 25 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एमओयू है, जिसमें हम कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च करते हैं डिफरेंट आस्पेक्ट्स के ऊपर जी। इसी तरह से अगर भारतवर्ष की बात करें तो उसमें जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 40 से ज़्यादा अधिक जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके साथ हमारा एमओयू है और उसके ऊपर अलग अलग तरह की रिसर्च, कोलैबोरेटिव रिसर्च हम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट पार्टनर जो है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे लिए, जो है वो भी बहुत सी फील्ड में हमारे साथ मिलके काम करते हैं, और इसके लगभग 500 प्राइवेट पार्टनर्स के साथ हमारे डिफरेंट आस्पेक्ट्स के ऊपर एमओयू हैं, जिसमें सीड प्रोडक्शन का भी है, हम टेक्नोलॉजी भी उनको देते हैं, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी है, मशीनरी का आस्पेक्ट भी है। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पे भी, कंट्री के लेवल पे भी, और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अब हम जो है ना पूरा रिसर्च का आस्पेक्ट जो है ना कोलैबोरेटिव रिसर्च में करते हैं, जो बहुत इफेक्टिव है जी, और उसकी आज के समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट खुला हुआ है, हर चीज़ की डिमांड जो ग्लोबल लेवल पे होती है, तो किसान उसी तरह की प्रोडक्शन करके, उसी तरह की टेक्नोलॉजी अपना के और ग्लोबल मार्केट का वो फायदा उठा सकता है। उसी दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं और हम उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और एक चीज़ देखी है कि जो जो किसान लोग हैं वो कुछ कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ वीट पैडी की जो फसल है वही उगाते हैं, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल जोन बन जाता है उनके लिए और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिल जाती है। और तो गवर्नमेंट भी ऐसी कुछ स्कीम्स बना रही हैं कि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, तो ये किस तरह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि जो किसान हैं वो इन फसलों को छोड़कर जो वीट पैडी के जो कंफर्टेबल जोन से निकलकर बाहर आए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ रुझान हो?
जी, ये जो है ना, हरियाणा सरकार इस मामले में काफ़ी प्रयासरत है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वाटर कंजर्वेशन का, जो रिसोर्स कंजर्वेशन का एस्पेक्ट है, कुछ जो है ना पराली वगैरह का जलाने का एस्पेक्ट है, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसमें बागवानी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है किसानों के लिए कि बागवानी की तरफ वो लोग आ सकते हैं, और हरियाणा सरकार इसके लिए प्रोत्साहित भी करती है किसानों को। जैसे कि आपने कहा कि धान और गेहूं के लिए MSP किसानों को देती है, इसी तरह से काफ़ी फसलों के लिए जो बागवानी की फसलें हैं उसके लिए एक भाव भावांतर योजना हरियाणा सरकार चलाती है जी कि अगर किसान को मार्केट में अपने फ्रूट का या अपने सब्जी का रेट कम मिल रहा है जी तो उसकी जो भरपाई है, उसका जो डिफरेंस है वो सरकार पे करती है। तो इसके लिए भी कोई, वो भी एक तरह का MSP है किसान जी के लिए। जी उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, जो धान गेहूं के मुकाबले जो फल और सब्जियों की पैदावार है प्रति यूनिट वो बहुत अधिक होती है, और उसका भाव भी एक सुनिश्चित ही है, क्योंकि अगर मार्केट में कम भी रहता है तो उसकी भरपाई सरकार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो उससे जो है ना वो किसान, अब काफ़ी किसान इसकी तरफ जो है ना प्रोत्साहित हो रहे हैं और बिल्कुल उसकी बागवानी को अपना रहे हैं, और एक बागवानी और सब्जी का फूलों का एरिया जो है वो अब काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इसमें। बिल्कुल। तो बागबानी का जो एरिया है, फार्मिंग का एरिया है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो लोग हैं वो अर्बन फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमने इन सभी विषयों के बारे में बात किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज काफ़ी सारे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा, और आप दोनों का भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ सीखने को मिला।